हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 31, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ठीक है, इसमें आगे भी है एंड द डेटा ऑब्टेन बाय द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग टेबल, है ना। ये हमें यहाँ पर टेबल दिया गया है, एक तरफ हमें दिया है लेंथ मिलीमीटर में और दूसरी तरफ दिया है नंबर ऑफ लीव्स। तो ये कुछ आपको डेटा है, इस बेसिस पे आपको क्या बोला है, फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द लीव, यानी कि लीफ का मेन जो मीन लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में आपको मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एवरेज लेंथ भी अगर आपके हो सकता है, लिखा रहता है ना, तो उस केस में भी हमें मीन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो चलो मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, डायरेक्ट मेथड है ना, एज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, जिस मेथड से आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार वैल्यू निकाल कर देखते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग बना लेंगे कि किस मेथड पे ये ज्यादा सुटेबल है। अगर आप यहाँ देखो तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, जैसे यहाँ पर है 126, यहाँ पर है 127, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर सेम होंगे तब भी हम लोग नॉर्मल तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। आप क्या करोगे कि डायरेक्ट देखा, पुट करना आपने शुरू कर दिया, बट ये चेक करना चाहता है आपको कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मीन मीडियन या मोड तभी आप निकाल सकते हो जब ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। यहाँ तो 126 है, यहाँ 127 है, यहाँ 135 है, यहाँ 136 है, यानी कि क्लास इंटरवल जो है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है हमारे साथ। क्लास इंटरवल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो क्लास इंटरवल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गैप कितने का है, 1 का है, तो इसीलिए आपको इस नंबर में हाफ ऐड करना होगा और इस नंबर में हाफ माइनस करना होगा। फिर से सुनो, जो लोएस्ट वैल्यू है उसमें हाफ माइनस करोगे और इसमें हाफ ऐड करोगे, तो इसमें हाफ माइनस करोगे क्या क्या आएगा, 117.5, और इसमें हाफ ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 126.5। बोलो, ठीक है, सेम केस यहां पर, हाफ माइनस तो ये भी हो जाएगा कितना, 126.5, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 135.5, इसमें हाफ ऐड करना है। अब देख लो कंटिन्यूअस हो गया, फिर से सेम केस यहां पर भी करो तो ये हो जाएगा 135.5 और ये हो जाएगा 144.5, यहां पर 144.5 और ये हो जाएगा 153.5, तो यहां पे हो जाएगा 162.5, ये हो जाएगा 162.5 से ये हो जाएगा 171.5, ये हो जाएगा 171.5 से 180.5। ठीक है, ये इस टाइप का हमें कुछ क्लास इंटरवल देखने को मिला। सारा वैल्यू सेम है क्या? हाँ सर, सारा का सारा वैल्यू तो हमें सेम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू अब कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो चुका है। क्या हो चुका है, कॉन्टिन्यूस, यानी कि अब इसका वैल्यू खत्म हो चुका, अब इसका वैल्यू उतना ही रह चुका जितना आपके घर में, यानी कि वैल्यू कुछ नहीं रहा भाई है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ लीव्स है, यानी कि यही एक्चुअल में क्या है, रेडियस फ्रिक्वेंसी है। समझ गए बात को, क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। सर ये एक्स क्या है, सर एक्स है इन दोनों का मतलब मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट है, क्लास मार्क जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो इसमें सिंपल फॉर्म में क्या करना है कि आपको दोनों को ऐड करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है ना। ऐसे तो निकालते हो एक्स का वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो यहां पर आ जाएगा 122, कितना आ जाएगा, 122। फिर अगर इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज ये आपके पास आ जाएगा 131, कितना आ जाएगा, डेट इज 131। ठीक है, सिंपल फॉर्म में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और 2 से सिंपल फॉर्म में आपको डिवाइड कर देना है। अगर आप देखो तो दोनों के बीच गैप कितने का, 9 का, ऐड करते जाओ 140 149। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 9 ऐड करोगे 158 167 और ये हो जाएगा 176, कितना हो गया, 176। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये तो हमारा x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो, अगर डायरेक्ट मेथड से करना चाहो तो fx निकाल सकते हो। ठीक है, fx निकालना क्या सही रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू भाई, निकाल दे क्या, चलो fx के डायरेक्ट मेथड के ही बेसिस पे करते हैं। आप चाहो तो स्टेप डेविएशन भी कर सकते हो, है ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, है ना, 5 1 जा 5,
थ्री जा 15 कैरी 1 और 5 वन जा 5 और 1 6, ठीक है ये आएगा ना भाई। अब 15 और 5 वन जा 5 और 6 0, ठीक है 36 9 3 12, ठीक है यही होगा, यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 12 9 जा 108 कैरी 10 है ना, कैरी कितना 10, 12 58 कैरी 5 और 17, ठीक है ये 40 कैरी 4 कैरी 2 7, ठीक है 167 ये हो जाएगा 8 कैरी 2 कैरी 2 6, ठीक है फिर यहां पर आ जाएगा दैट इज 6 2 जा 12 और 15 कैरी 1 2 और 1 3, कितना हो गया 2 और 1 3। अब हमारे पास मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, क्या सबको ऐड कर लिया जाए, सबको ऐड कर लिया जाए, क्या बोलते हैं कंपनी बोलो ऐड कर लिया जाए, कर लो सर ऐड। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको ऐड कर लेते हैं 366 प्लस, कैलकुलेटर से मैं ऐड कर रहा हूँ 655 प्लस, आप बढ़ा लो थोड़ा वीडियो को ठीक है, प्लस 1260 प्लस 1788 1788 और ये हो गया प्लस प्लस 1788 प्लस 790 790 प्लस 668 प्लस 352 है ना इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है, इसको आप ऐड करोगे है ना सिग्मा एफ एक्स, ये आपका आ रहा है दैट इज 5879 5879, ठीक है इतना देखने को मिल रहा है। तो इसके प्लेस पे फिलहाल पुट करते हैं 5879 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, इन सब को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 40 लिप्स है, देखो 8 17 29 34 38 40 है ना, कितना आ रहा है 40, इसको हम लोग डिवाइड दे देते हैं किससे दैट इज 40 से, तो ये आ रहा है दैट इज डिवाइड करने के बाद आ रहा है दैट इज 146.975 और ये हो गया सिंपल फॉर्म में हमारा क्या दैट इज मीन का वैल्यू है ना। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका, अगर इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप बनाओगे, अगर आप दूसरा मेथड चाहो तो उस मेथड से भी आप सिंपल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। हमने यहां पर देखा कि थोड़ा सा तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, मल्टीप्लाई ऐड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट आप निकाल सकते हो, आप चाहो तो स्टेप डेविएशन से निकालो, आप चाहो तो एज्यूम मीन मेथड से निकालो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपको इतना ही देखने को मिलेगा ठीक है। देन आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।